अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू मील टाइम विद मोना। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त जिंजर टी की रेसिपी। ये होम रेमेडी है और ये आपको इंशाल्लाह पूरी सर्दी में सोर थ्रोट, थ्रोट के इन्फेक्शंस, कॉमन कोल्ड और फ्लू से हमेशा बचा के रखेगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हमें जिंजर चाहिए और लेमन चाहिए। जिंजर की प्रॉपर्टी ये है कि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और आपके गले को बहुत आराम पहुंचाता है इन्फ्लेमेशन ख़त्म करके। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी ये भी है कि ये आपके थ्रोट इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। लेमन इज़ पैक्ड ऑफ विटामिन सी जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करती है, और लेमन जो है वो म्यूकस को, बलगम को पतला करके उसे निकालने में हेल्प करता है और इससे गले के दर्द में भी आराम आता है। इसके अलावा जो स्पाइसेस इसमें चाहिए, सिनेमन यानी कि दालचीनी, वो आपके रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को दूर करता है, नेजल कंजेशन के लिए बेस्ट है, अगर आपको खांसी है या और कोई इन्फेक्शंस हैं, कॉमन कोल्ड के असरात हैं, उन सबको ये दूर करता है। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं लौंगे। लौंगों की भी ये क्वालिटी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। साइनसाइटिस का अगर आपको इशू है तो उसके लिए भी ये बेस्ट है, इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर मैंने यहाँ काली मिर्चें साबित ले ली, जिसको मैं थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। काली मिर्चें बेस्ट है चेस्ट कंजेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपको ब्लॉक नोज़ का इशू है, स्टफ़ी नोज़ है आपकी, तो ये उसको भी अनक्लॉक करता है। आगे हम इसमें हल्दी भी ऐड करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको उसकी प्रॉपर्टी भी बताऊँगी। यहाँ मैंने एक पैन में आधा लीटर यानी कि 2 कप पानी ले लिया है और इसके अंदर में तकरीबन 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ कुटा हुआ आप ले लें अदरक, इसको मैंने ग्रेटर से क्रश कर लिया है। 1 दालचीनी का टुकड़ा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैं इसमें 2 लौंगे डाल रही हूँ और 1 इलायची, इसको थोड़ा सा हम तोड़ के डाल देते हैं। इलायची भी बेहतरीन है कॉमन कोल्ड और फ्लू के जो असरात हैं उससे बचाने के लिए। काली मिर्चों को मैंने यहाँ देखें इस तरह से क्रश कर लिया है थोड़ा सा, 4 से 5 मैंने ले ली थी साबित, वो आप इसमें ऐड कर दें। और इसमें जाएगी चुटकी बराबर हल्दी। हल्दी जो है वो आपके डिफरेंट बॉडी के जो वायरसेस हैं उनको एलिमिनेट करती है, और हल्दी बेसिकली जो म्यूकस है उसको बढ़ाती है ताकि उसे नेचुरली आपकी बॉडी से फ्लश आउट कर सके माइक्रोब्स को, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत कंजेशन हो जाता है। और हल्दी के आपको पता है और भी बेशुमार फ़ायदे हैं। इसको हमने अच्छा सा बॉईल करना है और 3-4 मिनट तक इसको लो या मीडियम फ्लेम पे आपने बॉईल होते रहने देना है। तो आपकी जिंजर टी एक दफ़ा बना के ट्राई करें इस दफ़ा विंटर्स में। अब यहाँ पे सर्विंग के लिए मैंने 1 कप में सबसे पहले ले लिया 1.5 टीस्पून शहद, आप अपनी मर्ज़ी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। और शहद ऐड करने के बाद मैं इस पर 1 टी स्ट्रेनर रख दूँगी और इसमें मैं 1/2 लेमन स्क्वीज कर दूँगी। 1/2 लेमन का जूस मैंने इसमें स्क्वीज़ कर दिया है। और अब जो हमने अपनी जिंजर टी बनाई है तो इसमें हम छान के डाल देंगे। आप इसे इसी तरह बिल्कुल गर्म या थोड़ा ठंडा करके भी ले सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको इसके अफेक्ट्स नज़र आना स्टार्ट होंगे। और अगर आपको कॉमन कोल्ड के साइंस हैं, फ्लू के साइंस हैं, या सोर थ्रोट है, या बिल्कुल आवाज़ जब आपकी बंद हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें भी आप इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।